मित्रों, हनुमान चालीसा पढ़ते सभी हैं। हनुमान चालीसा जो मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद काफ़ी लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कोई 7 पाठ कर रहा है, कोई 51 पाठ कर रहा है, कोई 21 पाठ कर रहा है, कोई 108 पाठ भी कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे को फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं हम 108 पाठ भी कर रहे हैं। तो मित्रों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हनुमान चालीसा आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर आपको हनुमान चालीसा का अर्थ ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि हम जिस देवता की आराधना कर रहे हैं, जिस देवता से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी प्रार्थना, जिस देवता के हम फैन हैं, मैं तो फैन कहूँगा तो वो कलयुग का है, तो जिस देवता के हम फैन हैं, जिस बाबा के हम फैन हैं, हनुमान बाबा के, हनुमान जी महाराज के, उनका जो हनुमान चालीसा जो तुलसीदास जी ने लिखी है, उसकी स्टोरी जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि उन्होंने क्यों लिखी, कैसे लिखी हनुमान चालीसा, पर इसका अर्थ क्या है, काफ़ी लोगों को ये अर्थ पता नहीं है, केवल वो बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। तो मित्रों, इसका अर्थ जानने के लिए आप मेरा वीडियो देखें। मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, तो इसमें मैं, ये मेरी थोड़ी लंबी सीरीज होगी, बट मैं, क्योंकि मैं एक साथ एक घंटे का वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, लोग क्या बोर हो जाते हैं देख के, तो मैं चाहता हूँ आपको 2 या 3 चौपाई डेली मैं आपको बताऊँ, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में फिर 2-3 चौपाई बताऊँ। जय श्री राम मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री हनुमान चालीसा इसका क्या मीनिंग है। मित्रों, श्री, जैसे आप जानते हैं, जो भी बड़े होते हैं, जो भी पूजनीय होते हैं, उनके आगे हम श्री लगाते हैं सम्मान के लिए उनके। हनुमान, हनुमान जी का देखो, दो हनुमान जो नाम पढ़ा है, ये दो इस पर किंवदंतियाँ हैं। पहली किंवदंती तो ये है कि हनुमान जी जब बचपन में सूर्य को फल समझ के उसको खाने चले गए थे, तो जब उन्होंने उसको मुंह में ले लिया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था, क्योंकि अंधेरा हो गया था बिना सूर्य की रोशनी के, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। तो सूर्यदेव ने इंद्रदेव से रिक्वेस्ट करी अपने मुझे छुड़ाने की, कि आप मुझे छुड़ाओ, इंद्रदेव को छुड़ाओ, सूर्यदेव को छुड़ाओ। तो इंद्रदेव ने अपना वज्र चलाया, उस वज्र के प्रहार जो था हनुमान जी की ठोड़ी पे लगा, उसके कारण ठोड़ी के अंदर थोड़ा सा इनका ठोड़ी पे हल्का सा सूजन आ गया था, तो इसलिए इनका नाम हनुमान, हनु से, हनुकार तो ठोड़ी से है, तो हनुमान इसलिए इनका नाम पड़ा। दूसरा इनका नाम क्या है, हनु प्लस मान, इनको आप ब्रेकअप करो दोनों को। हनु का मतलब होता है हनन करने वाला, और मान का मतलब होता है अहंकार। तो जो आपके अहंकार को हनन करने वाला, तो आप हनुमान जी के पूरे जीवन चरित्र में देखिए, कभी भी उनके जीवन चरित्र में आपको अहंकार नजर नहीं आएगा। पूरी हनुमान चालीसा पढ़िए, पूरी रामायण देखिए आप, हनुमान जी के जीवन चरित्र में कभी अहंकार नहीं है, जबकि इनसे शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए इनको हनुमान जी कहा गया है। और चालीसा का मतलब यह है कि 40 दोहों का संग्रह, 40 दोहों का संग्रह है, इसलिए इसको चालीसा कहा गया। अगर 20 दोहे होते तो इसको बीसा कहते हैं। ऐसे अष्टक है तो उसमें 8 दोहे, हनुमान अष्टक, ऐसे इसको, ये चालीसा है तो इसमें 40 दोहे हैं, 40 चौपाइयां हैं, 40 चौपाई है, दोहा नहीं कहूंगा मैं, दोहा शब्द मेरे मुझे गलत निकल गया, इसलिए मैं इसको चौपाई कहूंगा, ये चौपाई है 40 चौपाई। तो 40 चौपाई जो है, इसलिए इसका नाम श्री हनुमान चालीसा है। तो सबसे पहले मैं इसका अर्थ बताऊं श्री हनुमान चालीसा का, जो मैंने आपको कल बता दिया। उसके बाद मित्रों, हम आते हैं अब सेकंड, अपनी पहली जो लाइन है वो हनुमान चालीसा हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम हम सभी बोलते हैं। तो मित्रों, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी हनुमान चालीसा, और अवध भाषा में लिखी गई थी ये, तो इसको कोई भी पढ़ सकता है, पढ़ने में त्रुटि नहीं होती, क्योंकि हिंदी से मिलती जुलती अवध भाषा है। अब आप ये और जान लें कि हनुमान जी का जो दूसरा शब्द है वो है बजरंगी, इसका ब्रेकअप कर लें तो ब्रज प्लस अंगी, वज्र प्लस अंगी, वज्र का मतलब होता है कठोर, अंगी मीन्स अंग वाला, कठोर शरीर वाला। तो हनुमान जी बड़े कठोर शरीर वाले हैं, बहुत मजबूत शरीर है, आपको पता ही है इनकी ताकत की तो कोई सीमा नहीं है, इनका शरीर इतना मजबूत है कि पहाड़ को इन्होंने अपने हाथों में उठा लिया था। ठीक है मित्रों, अब आते हैं हम अपने पहले टॉपिक पे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जोदायकु फलचारी। श्री गुरु चरण, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं गुरुदेव, जो गुरु महाराज है, उनकी चरण रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, कमल की रज, मतलब उनके चरण कमल जो हैं, उनकी जो रज मीन्स धूल, उसकी धूल को माथे पे लगाता हूँ, और अपने मन और मन रूपी दर्पण को सुधारने के लिए ये पढ़ रहा हूं मैं। दोबारा देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव के चरणों की धूल है,
उसको मैं लेता हूँ और अपने इस जीवन को सुधारने के लिए उसको अपने माथे से लगाता हूँ। न केवल जीवन बल्कि अपने मन, मतलब गुरुदेव को उन्होंने नमन कराया, गुरुदेव की चरण रज को माथे से लगा के अपने जीवन को सुधारने के लिए उन्होंने इसको शुरू किया है। मित्रों, वर्णव रघुबर बिमल जसू जो दायकू फलचारी, इसमें इन्होंने क्या कहा है, वर्णव का मतलब होता है वर्णन, रघुवर है श्री राम, श्री राम प्रभु, विमल निर्मल, विमल का मतलब निर्मल है, जसू का मतलब है यश, और जो दायकू फलचारी, जो दायकू देने वाले हैं, फलचारी चारों प्रकार के फल देने वाले हैं। तो इसके लाइन का पूरा पूरा अर्थ क्या है कि मैं उन श्री राम रघुवर, उन श्री राम का वर्णन करता हूं जो कि इस चारों प्रकार के फल हैं, उन फल को देने वाले हैं, उनके विमल यश का, निर्मल यश का वर्णन करता हूं मैं प्रभु श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूं। चार प्रकार के फल कौन कौन से होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो चारों प्रकार के फल को देने वाले हैं वो।